नमस्कार, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करेंगे। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में ये बताया गया है कि जो लाइट है उस लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जैसी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इन प्रॉपर्टीज को हम लाइट की वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से लाइट की कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्प्टन इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रम एंड रमन स्पेक्ट्रम। ये जो लाइट की प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को हम लाइट की पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका मतलब लाइट जो है वेव की तरह भी बिहेव कर रही है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइट है उस लाइट की ड्यूअल नेचर होती है। डी ब्रॉगली ने इसी प्रकार जो मैटर के स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डी ब्रॉगली ने कहा कि ये स्मॉल पार्टिकल्स जो है ये वेव की तरह भी बिहेव करते हैं, यानी इनमें वेव नेचर भी होती है। ये जो पार्टिकल्स हैं, मैटर की जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स से रिलेटेड जो वेव्स होती हैं उन वेव्स को हम मैटर वेव्स कहते हैं, या हम इन्हीं को डी ब्रॉगली वेव्स भी कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लाइट है उसकी ड्यूअल नेचर होती है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। इसी तरह जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी वेव नेचर तो ही है, साथ ही साथ उनकी जो है हम कह सकते हैं पार्टिकल नेचर भी होती है। अब हम यहां डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के लिए जो फार्मूला काम में आएगा उसको हम यहां थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जो लाइट है उस लाइट की ड्यूअल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हम प्लैंक इक्वेशन भी काम में लेते हैं और आइंस्टाइन इक्वेशन भी हम इसको काम में लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक इक्वेशन E इज इक्वल टू एच न्यू, एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होती है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन कर दें, ऑन कंबाइनिंग हम कह सकते हैं एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, और एम सी इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, और वी कैन से एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, जहां ये जो न्यू अपॉन सी है इसकी जगह हमने पुट कर दिया वन अपॉन लैम्डा, और वी कैन से लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर पी जो है वो एम इंटू सी की जगह लिखा है, जिसको हम मोमेंटम या
संवेग कहते हैं। इस इक्वेशन को हम यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक फोटोन जो है, उस फोटोन जिसका मास m है, वेलोसिटी c है, इस फोटोन से रिलेटेड जो लैम्डा या जो वेवलेंथ है उसको हम इन इक्वेशन से शो कर सकते हैं। तो फोटोन जो कि एक पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, उससे रिलेटेड जो है वो वेव इस इक्वेशन से हम बता सकते हैं। ये जो इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम पी, इसी इक्वेशन को हम मटेरियल पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि मटेरियल पार्टिकल का मास m ले लें और वेलोसिटी उसकी v ले लें तो इक्वेशन जो होगी वो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv होगी। हमने उस प्रीवियस इक्वेशन में से c की जगह पर v शो कर दिया। ये जो लैम्डा है, इस लैम्डा को हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। इन इक्वेशंस में h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, m इज मास आ रहा है और v जो है वो वेलोसिटी है। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी जो है वो एक डी ब्रोगली इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अगर m और v की वैल्यू ज्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो लेस होगी, या हम कह सकते हैं काफी स्मॉल होगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो मैक्रो पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास बहुत ज्यादा होता है, उन मैक्रो पार्टिकल से भी जो लैम्डा होगी वो एसोसिएटेड होगी, लेकिन इसकी वैल्यू जो होगी वो वैल्यू बहुत ही कम होगी, तो हम मोस्टली ऐसी वैल्यूज को हम नेग्लिजिबल ले लेते हैं। तो मैक्रो पार्टिकल्स के साथ भी लैम्डा होगी लेकिन वो हमारे लिए नेग्लिजिबल होती है। तो इस तरह से हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और उससे कुछ कंक्लूजन्स को शो कर सकते हैं। अब यहीं पर हमें लास्ट में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की हम एक इम्पॉर्टेंस की स्टडी करेंगे। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इसके लिए हमने प्रीवियसली पढ़ा है, बोर साइंटिस्ट ने एक पोस्टुलेट दिया था। अकॉर्डिंग टू बोर, इलेक्ट्रॉन जो है वो उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव होता है या उन्हीं ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है जिनमें इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग, वो एच अपॉन टू पाई का होल इंटीजर होता है।
इसका मतलब जो इक्वेशन है वो है एम वी आर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। यहाँ जो एन जो है वो एक होल इंटीगर है, एक नंबर है। ये जो बोर पोस्टुलेट था, इस बोर पोस्टुलेट को डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया, उस एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, इलेक्ट्रॉन जो है वो एज ए वेव एक ऑर्बिट में या एक सर्किल में उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन वेव को एक सर्किल में हम इमेजिन करें, तो सपोज मैं एक ऑर्बिट या एक सर्कुलर पाथ बना रहा हूं, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एज ए वेव। तो वेव मूव कर रहा है तो इसका मतलब इसमें को हम इस तरह से शो करें, कंटिन्यूस जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एज ए वेव। तो इसका मतलब इसमें रेगुलर क्रेस्ट होंगे और ट्रॉप्स होंगे। ये जो है हम कह सकते हैं लैम्डा हो गई, इसी तरह से ये भी लैम्डा हो गया, और इसी तरह से ये भी लैम्डा है, और इसी तरह से ये भी लैम्डा है। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव के नेचर में कंटिन्यूस मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं वो फेज में है। एक दूसरी घटना इस तरह से भी हो सकती है, हम एक ऑर्बिट या एक सर्कुलर पाथ लें जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एज ए वेव, लेकिन वो इस तरह से शो हो रहा है। इस तरह की वेव को हम कहते हैं ये एक तरह की क्रॉसिंग वेव है, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है एक चक्कर लगाने के बाद ऑर्बिट से बाहर आ जाएगा। ऐसी जो वेव्स होती हैं उन वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वेव्स आउट ऑफ फेज। अगर इलेक्ट्रॉन वेव्स इन फेज में है तो ये एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाती हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन वेव्स आउट ऑफ फेज है तो ये एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगी। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मूव कर रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वेव्स जो है फेज में है वो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का कंटिन्यूस मूवमेंट है ये तभी पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल होगा, जब ये जो हमने एक सर्किल बनाया है इस सर्किल का जो सर्कमफ्रांस है दैट इज 2πr, इस सर्कमफ्रांस में जो लैम्डा आ रही हैं, जो लैम्डा सेट हो रही हैं, उनका एक होल नंबर है। तो यहां पे हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 4 लैम्डाज यहां पर उपस्थित हैं, तो हम कह सकते हैं सर्कमफ्रांस 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहां पे एक होल नंबर नहीं हुआ क्योंकि यहां पर एक क्रॉस हो गई वेव में, तो इसका मतलब ये जो है वो आउट ऑफ फेज होता है। तो इन फेज में या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो सर्कमफ्रांस है उसमें एन लैम्डास जो है वो शामिल होंगी। अब यहां पर हम इसको कह दें 2πr इज इक्वल टू एन, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, यहां पर हम पुट कर देते हैं। इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज कर लें देन एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। ये जो है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ये बोर पोस्टुलेट है जिसको इजीली और जिसको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में। यहां एन जो है वो एक वैल्यू है
होल नंबर हैं दैट इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो ये होल वैल्यू क्यों आई, ये एन क्यों आया, उसको यहाँ पर डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह से हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।